तो गाइस यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये पूरा फॉरेस्ट फायर, ये पूरा जो माउंटेन रेंज है, ये फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है। ये पूरा स्मोक आप देख पा रहे हो। कल रात से यहाँ पे काफ़ी आग लगी हुई थी। कल सुबह जब हम लोग यहाँ पे काम करने आए थे तभी थोड़ी थोड़ी जगह में आग लगी हुई थी, और कल रात को हमने खुद देखा था कि ये फॉरेस्ट रेंज बहुत ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे आग लगी हुई थी। बेसिकली ये जो आग लगी हुई है ये नेचुरल है, इसने इसको लोगों ने लगाया ये बिकॉज ऑफ हीट। जो सूखे हुए पत्ते रहते हैं वो उसमें आग लग जाती है और इग्निशन किसी तरह से उसमें चिंगारी लग जाती है और फिर पूरी तरह से ये आग पकड़ लेता है। हम लोग हैं कपिल धार में और ये यहाँ पे एक नेचुरल फॉल्स है। और कहाँ पे है ये कपिल धार? ये है गर्धमांधन हिल्स में। और गर्धमांधन हिल्स का जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ कम्प्लीटली लिंक्ड विथ रामायणा, हनुमान जी और राम जी के साथ। उस पर मैं बाद में आऊँगा, बट पहले हम लोग कपिल धार देखते हैं। तो कपिल धार इज़ ए नेचुरल हॉट गीजर शावर जहाँ से कि पानी निकलता है, और ये नेचुरल फॉल्स है जो कि नीचे जो नृसिंहनाथ का मंदिर है वहाँ पे जाता है। और अभी हम लोग हैं अराउंड 487 मीटर ऊपर एलिवेशन सी पॉइंट से, तो ये काफ़ी ऊपर है। और जैसा आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें यहाँ पे की गई है ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, ये नहीं करनी चाहिए लोगों को। लोग सोचते हैं कि इतनी अच्छी जगह में आएंगे और अपना नाम लिख के चले जाते हैं, जैसे कहीं लिखा रहता है। ये देखिए आई, सब बकवास चीज़, और इसको इससे बहुत ज़्यादा प्रिस्टिनिटी गंदा होता है, तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अभी हम लोग तो गाइज़ मेरा कैमरा ओवर हीट होने के वजह से जो है वो बंद हो गया है, और मैं अभी दूसरे कैमरा में शूट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं ऊपर जाने की कोशिश कर, मतलब आई डोंट वांट टू वेट, तो लेट्स सी। ये पूरा एक, यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने का, यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टोन्स, तो थोड़ा सा खतरा भी है, बट लेट्स सी। तो गाइज़ मैंने इसको तो क्रॉस कर लिया है, बट देन अभी चढ़ने के लिए मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी इतनी सुंदर सी जगह में आते हैं और जो इतने ऊपर है, इतने हाइट में, या किसी भी सुंदर सी जगह में आप जाते हो, तो यार इस टाइप की हरकतें मत किया करो, क्योंकि आपका प्यार, आपका दोस्ती यहाँ लिख के प्रूव अगर होता तो फिर बहुत कुछ अलग होता। और आप सिर्फ यही करते हो कि ऐसी जगहों पे ऐसे तरह लिख के, ऐसे आप लिख के सिर्फ एनवायरनमेंट को और नेचर को गंदा करते हो। और जो, एंड आई अश्योर यू कि जिस लड़की का नाम आप यहाँ लिख के जाते हो, जो भी लोग आते हैं ना वो आपको और उस लड़की को दोनों को गालियाँ देते हैं।
तो ये मत सोचना कि लोग आते हैं और ये नाम देखते हैं, ये सारे नाम देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, वो आपको गालियाँ ही देते हैं जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। तो ये जो भी है राजू ऑयरो एंड जो भी है, ऐसे मत किया करो यार, ये बहुत गंदा चीज़ है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है अलग अलग फोर्ट्स में, हर जगह पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप देखो इतना सुंदर सा एक वाटरफॉल है और आप उसके नीचे ये लिख के रखे हो, तो क्या ही मतलब बनता है ना। तो ये बिल्कुल मत किया कीजिए। और सब सो गाइस, ये था कपिल धार और बहुत ही पीसफुल जगह है ये, क्योंकि इतनी ऊपर है और सी लेवल से और सिटी से अराउंड 200-250 मीटर ऊपर है। तो और मैं एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे इस पीसफुलनेस का फ़ायदा उठाया, दैट आई ट्राइड टू मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर, और उस पीक में जिस पीक में मैं बैठा था और वहाँ पे मैं बैठा था और आई ट्राइड टू क्लोज माई आईज एंड थिंक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड विथ मी फ्रॉम लास्ट यू नो 6-7 मंथ्स, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है और किस तरह उसको मैं अपने लिविंग में रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ या रिलेट कर सकता हूँ और क्या उसने मुझे सिखाया है। सो आई वॉज जस्ट हैविंग ए फ्लैश बैक ऑफ माई इवेंट्स दैट हैपेंड इन माई लाइफ फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, और मुझे बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जो भी चीज़ हुआ है वो मेरे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, और जो पहली चीज़ हुई है वो दूसरे चीज़ के लिए हिंट थी, जो दूसरी चीज़ हुई है वो तीसरी चीज़ के लिए हिंट थी, एंड इट्स ऑल दैट हाउ यू रीड योर दोज हिंट्स। और मुझे लगता है कि ऐसा हम सबके लाइफ में यही होता है, क्योंकि वी ऑल गो थ्रू द सेम फेज सम डे और द अदर इन आवर लाइफ, इन आवर रिलेशनशिप्स, इन आवर जॉब्स, इन आवर कैरियर्स, इन आवर फाइनेंशियल मैटर्स। तो कहीं ना कहीं सेम जो लॉजिक है वही अप्लाई होती है कि एवरीथिंग हैपन, एवरी ईच एंड एवरी इवेंट दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज समवेयर रिलेटेड टू वन, एंड मे बी द फर्स्ट वन वॉज अ हिंट फॉर द सेकेंड वन, बट यू डिडेंट लर्न फ्रॉम इट, सो इट द सेकेंड वन हैपेंड, एंड यू नो दैट्स ऑब्वियस दैट यू विल इग्नोर इट। ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। मुझे ये भी लगा कि क्या मैंने गलती की कि मैंने उस पहले हिंट को मैंने नहीं सोचा या मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगा नहीं यार गलती नहीं थी, उस टाइम पे मैं वही करना चाहता था, उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा वही चीज़ पसंद थी, मैं सबसे ज़्यादा प्यार उस चीज़ से करता था, तो कहीं ना कहीं वो गलती तो बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा सेफ होना चाहिए था, थोड़ा सा एक्वेंटेड होना चाहिए था। मेरे कैरियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, मेरे पढ़ाई में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे मैं 11-12 में। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन इवेंट विथ यू दैट मैं स्टैंडर्ड 10th में मैंने उड़ीसा टॉप किया था और CBSE में बेस्ट 10th में था मैं, एंड 12th में आई पास्ड मिजरेबली, मतलब भगवान की दया से मैं पास हो गया था। सो ये एक बहुत बड़ा एक धक्का था मेरे लाइफ में, मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, जिसको मैंने फिर बाद में ओवरकम किया। सो यू नो इवेंट्स लाइक दिस हैपन इन माई लाइफ एंड इट हैपन्स इन एवरीबडीज लाइफ समवेयर और द अदर, बट वट वी नीड टू डू इज़ दैट वी नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो मुझे आज यहाँ पर बैठ के रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि इस जगह का नाम कपिल धार है और शिवजी से काफ़ी रिलेटेड है और नीचे शिवजी का मंदिर है, सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड मैं उनका काफ़ी बड़ा भक्त हूँ, सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड उनके लाइफ से भी यही चीज़ हमें सीखने को मिलती है। सो एनी वे गाइज, दिस वॉज कपिल धार फॉर यू, एंड अभी हम लोग जाएंगे नरसिंहनाथ और ऑन दी वे मैं आपको गर्दमान हिल्स का जो स्टोरी है वो बताता हूँ कि गर्दमान हिल्स क्यों फेमस है और किस लिए फेमस है। अगर मैंने आप लोग को बोर किया ये सारा चीज़ बोल के तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू गाइस, एज जो भी मेरे वीडियोस को देखता है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल लाइफ के साथ भी उसका एक टच होना चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न आई जस्ट शेयर विथ यू माई फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर कोई और है नहीं इतने ऊपर में जिसको मैं जानता हूँ, सो आई थॉट वाई नॉट। और यहाँ पर देखिए ये एक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था कुछ सालों पहले, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सो वी हैव टू बी सेफ इन दिस रोड, बिकॉज कोई बाउंड्री नहीं है रोड में, और यू नो ऐसे जो रोड्स होते हैं वो ऐसे रहे मुझे लगता है तो ही ठीक है, क्योंकि मैं ऋषिकेश गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, एंड मैंने देखा है कि इस तरह के रोड्स को अगर आप बना दोगे, मतलब यू नो सीमेंटेड कर दोगे या कॉन्क्रीट कर दोगे, तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, बिकॉज देन द स्पीड इंक्रीज। यू नो इस तरह के कच्चे रास्ते में आप कितने पे ही स्पीड चला पाओगे, 30-40 पे, बट
अगर आप इसको कंक्रीट कर देते हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मैं ऋषिकेश गया था, मैं हरिद्वार में मैं उधर गया हूँ पहाड़ों पे जहाँ पे डिफरेंट टेम्पल्स हैं, तो अब वहाँ पे कुछ कुछ टेम्पल्स में कॉन्क्रीट है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स मैंने देखे होते हुए, और सो आई गेस इट्स सेफ लाइक दिस ओनली। हाँ, थोड़ा सा सेफली चलाना पड़ता है ऑफकोर्स। और आप ये पेड़ देखो, इस पेड़ का हाफ रूट निकल चुका है, बट फिर भी ये पेड़ कम से कम 22 से 23 मीटर तक होगा, और ये पेड़ वैसा का वैसा खड़ा हुआ है, बिकॉज इसके जो दूसरे साइड के रूट्स हैं वो काफ़ी अंदर तक होंगे, बहुत अंदर तक होंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनक्रेडिबल नेचर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनक्रेडिबल नेचर, जो हम नहीं समझते हैं, जो हमें समझना चाहिए बट हम नहीं समझते हैं। मंदिर जो कि यहाँ का वन ऑफ द सबसे फेमस मंदिर है, जो कि गर्दमान हिल्स के बिल्कुल नीचे है, और काफ़ी सुंदर यहाँ स्कल्पचर्स बना हुआ है। यहाँ पे बहुत एक बड़ा फेस्टिवल होता है बैसाख मंथ में, तो वहाँ तब बहुत बड़ा एक फेस्टिवल यहाँ पे होता है, और अभी वो होने वाला है, तो जिसके लिए ये पूरा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि प्रसाद जो है, या तो अब उसको बैग के अंदर रखिए, या फिर अपने अंदर मतलब अपने टी शर्ट के अंदर रखिए, क्योंकि वरना बंदर खींच लेगा। दो मुझे यहाँ पे बंदर दिख नहीं रहे, बट यहाँ पर सबको यही बोल रहे हैं कि प्रसाद हाथ में लेकर मत जाइए। काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पे 12:30 एक बजे भोग दिया जाएगा, जिसके लिए हमने सुबह टिकट किया था कपिल धार जाने से पहले। मुसी एक दत्त था, वो मूसा बन के पहाड़ में घुस गया, और उसको एक जगह इधर एक रास्ते इसके जुगे हैं, और उधर दूसरा में हरिशंकर है, दोनों पहाड़ में वो मतलब गार्ड कर रहे हैं कि जब निकले तो मारेंगे बोल के, और ये नृसिंहनाथ है, उधर है हरिशंकर, उसी तरह यहाँ से बोलते हैं इस रास्ते से गया है, कौन से रास्ता पता नहीं, ये दूर हो गया कहीं से भी गया, वो भी टैलेंटेड हो गया, 4-5 लोग बना दिया है मुश्किल दत्ते इसी बोलते। अच्छा, ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हाँ, तो गाइस यहाँ ऊपर है दक्षिण काली, और ये अराउंड 11 फ्लोर या 12 फ्लोर ऊपर होगा, और इज द फर्स्ट टाइम, सो इट विल बी अ वन शॉट, लेट्स गो। विजिट, और हमने यहाँ पे काम जो है वो भी ख़त्म कर लिया है, तो हम लोग यहाँ से अभी निकले, अभी आज निकल जाएंगे, और इसके बाद हम लोग बोध डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे वेजिटेशन सैम्पलिंग करने। मैं फॉरेस्ट सैम्पलिंग विजिट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि बहुत 3-4 वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ, तो यू नो बहुत लोग बोल रहे कि सेम कॉन्टेंट हो जा रहा है, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग यू स्पेशल प्लेसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एरिया।